आपका नुमाइश में स्वागत है। आप दिल्ली वार्ता के माध्यम से हमको कुछ जानकारी बेटा, तो आप ये बताएं कि कांग्रेस की गतिविधियों का नहीं, कांग्रेस की गतिविधियाँ क्या चल रही है? कांग्रेस इस समय सर्वप्रथम संगठन बनाने में मजबूत बनाने में लगी हुई है। ब्लॉक के कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं, सभी की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं कि हमारा ये बूथ स्तर तक संगठन जाए। हर गांव में हमारे लोग होने चाहिए, हर गांव में कांग्रेस होनी चाहिए। जैसा कि हमारे राहुल गांधी जी को संदेश मिला है कि आप जो है अपने लोकसभा क्षेत्र में माननीय सोनिया जी के द्वारा लोकसभा क्षेत्र में बूथ कमेटियों की जिम्मेदारी उनको दी गई है, तो जब हमारे हाई पावर के नेता को जब ये जिम्मेदारी दी गई तो हमारा दायित्व बनता है कि हम गाँव गाँव तक इस कमेटी को पहुँचाएँ और आगामी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करें। अच्छा, ये बूथ को जो आपने बांटा है, क्या कुछ रणनीति तैयार करी है बूथ के लिए या जैसे पहले रहती थी वैसे ही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो आज काम करेंगे और जो निष्क्रिय हैं उनको हम आराम की जगह देंगे, उनको काम ज्यादा नहीं दे पाएंगे, लेकिन नई भर्ती हम ज्यादा शुरू कर रहे हैं। जैसा कि अभी इससे 5 मिनट पहले नदीम गफूर साहब से इंटरव्यू लेके आ रहा हूँ, उनका भी कहना यही है कि हमें नई भर्ती करनी है, तो क्या पुराने कार्यकर्ताओं को आप विराम देना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, पुराने कार्यकर्ता को तो हम छोड़ ही नहीं सकते जी, क्योंकि उन नयों को संस्कृति कौन बताएगा कांग्रेस की? फिर पुराने को छोड़ नहीं सकते। अच्छा, उन्होंने ये भी बताया कि हमारी रणनीति ये भी रही कि हर हालत में जीत हासिल करना, ब्लॉक स्तर पे भी जाएंगे, ग्राम स्तर पे भी जाएंगे, हर जगह हम अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता। हाँ, कोशिश सबकी यही है कि कांग्रेस जीतनी चाहिए। हर पार्टी का ये मानना होता है कि कांग्रेस जीते या बीएसपी हो तो बीएसपी जीते या समाजवादी हो समाजवादी जीते, लेकिन ये निर्भर करता है जनता की जो आपको जनता ने समय दिया, आपने कहाँ तक उसको पूरा किया, क्या आपने उस पर अमल किया, जनता के वायदे जो आपने लिए थे आपने कहाँ तक पूरे किए, ये तो वक्त इलेक्शन के दौरान ही तय हो पाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस का जब प्रतिनिधि यहाँ चुनके आया तो कुछ मुझे एक दो चीजें उनके कायर के बारे में आप बता दी। हाँ, जैसे हमारे यहाँ विवेक बंसल जी चुनके आए थे जी, उन्होंने मैं समझता हूँ जितना काम यह शहर में किया है जी, शायद इससे पहले किसी भी पार्टी के किसी नेता ने नहीं किया। दूसरी बात, हमारे यहाँ लोकसभा के सब सांसद हैं चौधरी बिजेन सिंह, उन्होंने काफी सड़कें, स्कूल और भी जो विकास कार्य काफी कराए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और वो हमेशा जनता के बीच में लगे रहते हैं। मैं यहाँ पे आपको इसलिए रोकना चाहूँगा कि मैं खुद एक ऐसे इलाके से का रहने वाला हूँ, खास तौर से अलीगढ़ का रहने वाला हूँ और मैं भमूला क्षेत्र का निवासी भी हूँ, लेकिन आपने अगर भमूला क्षेत्र का दौरा किया होगा और माननीय विधायक जी ने भी वहाँ नए नए वादे किए लेकिन उस वायदे भी वो खरे नहीं उतरे, जैसे आप ब्लाइंड स्कूल से भमूला के अंदर एंटर करते हैं सड़क के द्वारा, तो सड़क ऐसी है कि अगर किसी मरीज को ले आ जाए तो रास्ते में वो दम तोड़ देगा, तो क्या ये 5 साल का उनको अरसा सड़क बनवाने के लिए काफी नहीं था? लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो थोड़ा सा सवाल जो है वो थोड़ा सा मोड़ इसलिए रहा हूँ कि वहाँ की जनता इतनी परेशान है, बस इस सड़क से शायद कुछ हादसे भी होते हैं, तो माननीय विधायक जी को 5 साल दिए गए, क्या सड़क के लिए उनको बनाने के लिए काफी नहीं था? शायद हो सकता है किसी ने बताया ना हो या विधायक जी वहाँ पहुँचे ना हो। नहीं, विधायक जी तो मैं समझता हूँ बराबर जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनकी कार्यकुशलता में ये भोमला वासियों की सड़क ना हो। ना, ये तो मैं ऐसा नहीं हो सकता। ये तो मैं नहीं कह सकता उनकी कार्यकुशलता अच्छी नहीं है या वो देखते नहीं है जी, जी। लेकिन इतना जरूर है कि या तो किसी ने उनसे कहा नहीं या उन्होंने स्वयं देखा नहीं होगा, ये मैं जानता हूँ। वैसे वो विवेकशील आदमी है, हर व्यक्ति की परेशानी को समझते हैं, ऐसी कोई बात। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपके बारे में पूछना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने बारे में। मैं कांग्रेस सेवा दल का यहाँ जिलाध्यक्ष हूँ, मेरा काम कांग्रेस में नई भर्ती करके उनको ट्रेनिंग देके कांग्रेस की संस्कृति को बता के और कांग्रेस को समर्पित कर देना। आप कितने समय से कांग्रेस से जुड़े हुए? मैं लगभग 30 साल से। क्या आगे भी जुड़े रहेंगे? हाँ बिल्कुल, जन्म तक, बिल्कुल जब मरण तक, हमसे तो हुई मरण तक आप कांग्रेस से जुड़े जी, जी। आपका मानना ये है कांग्रेस पार्टी कैसी भी हो लेकिन मैं छोड़ने को तैयार नहीं हूं? कैसी भी नहीं, गांधीवादी पार्टी है, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी धर्मों को साथ लेके चलती है, सभी अमीर गरीब को साथ देती है, इसलिए मेरा मन है कि मेरी जिंदगी भी जाए तो कांग्रेस में, जिस तरह से मेरा जन्म हुआ है। तो अब ये बताइए कि जैसा कि माननीय सांसद जी को वक्त मिला 5 साल का और आपके कांग्रेस का विधायक भी रहा, लेकिन किसी कारण की वजह से वो सीट आपसे चली गई, उसकी क्या वजह है?
उसकी वजह यही हो सकती है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी होगी। क्या आपस में मनमुटाव जैसा सुना जा रहा था? मनमुटाव से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मनमुटाव यहाँ होता तो मैं समझता हूँ कि अब तक कार्यकर्ता भी इधर उधर हो जाता और पार्टी भी तितर बितर हो जाती। दोनों का उद्देश्य वही है कि कांग्रेस किसी तरह से जीते, कांग्रेस किसी तरह सत्ता में आए, कांग्रेस किसी तरह से बनी रहनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस की सीट आप लेने में सक्षम नहीं रहे? कुछ क्षेत्रीय कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से कहीं गड़बड़ हो जाती है। जैसे हमारा पिछला चुनाव रहा उसका नगर निगम का, उसकी वजह से कहीं किसी के मूड में कुछ था कहीं कुछ था। मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ किसी मुस्लिम को टिकट दे दिया जाता मेयर का तो हो सकता है हमारी कांग्रेस यहाँ बनी। आपका इशारा जो है शायद फुरकान साहब की तरफ जा रहा है। फुरकान साहब हो या कोई भी हो, वसीम भी थे, वसीम फुरकान साहब से मतलब नहीं, वसीम एक अहम मुद्दा में एक अहम सवाल मेरे जहन में आया कि फुरकान साहब जो कांग्रेस से अलग हुए हैं इसकी क्या वजह है? ये उनका कोई निजी स्वार्थ होगा। हमारे यहाँ कांग्रेस में फुरकान साहब का सम्मान रहा है, उनको विधानसभा का टिकट भी एक बार दिया गया, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए। उसके बाद अगर वो छोड़ के चले गए तो उनकी मन की बात है। ऐसा सुना जा रहा है कि उनको टिकट देने का वादा किया गया, लेकिन दूसरी पार्टी का मसला है, इसमें कुछ कह नहीं सकता। अच्छा एक सवाल फुरकान साहब के बारे में यही पूछना चाहूंगा, अगर फुरकान साहब दोबारा एंट्री करते हैं कांग्रेस में तो क्या कांग्रेस जगह देगी? सम्मान है हमारे यहाँ, यानी आपका मानना ये कि अगर फुरकान साहब खुद मैं अपने कार्यकर्ता के साथ जैसे अलग हुए हैं अगर वो कांग्रेस में जाना चाहें तो कांग्रेस उसका स्वागत करती है, यही कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, स्वागत करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। यानी अगर फुरकान साहब एंट्री लेते हैं तो आप स्वागत करेंगे, उनका स्वागत होगा। अच्छा सर, कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पहले तो अपने बारे में दिल्ली वार्ता के बारे में। मैं मोहम्मद शमसुल गाँव मिर्जापुर ब्लैक जवान मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस की जो कार्यकुशलता रही है, ज़्यादा टाइम ना लेके मैं तब पूछ जाऊँगा कि माननीय विधायक जी की सीट जाने का क्या कारण रहा? देखिए मैं तो बरौली विधानसभा क्षेत्र में रहता हूँ, अलीगढ़ शहर में भी रहता हूँ, अलीगढ़ शहर से मेरा ज़्यादा ताल्लुक है, लेकिन विधायक जी बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, सक्षम हैं और कांग्रेस के बहुत अच्छे वर्कर हैं। और विधायक जी हम ये मानते हैं कि अलीगढ़ जनपद में उनकी कार्यकुशलता अधिकारियों में प्रशासनिक अधिकारियों में बहुत अच्छी, बहुत अच्छी पकड़ भी है उनकी, लेकिन हो सकता है कि जनता के बीच की कुछ खामियां रही हों या जनता उनको बताने में कुछ खामियां रही हों। मैं ये ऐसा तो नहीं है कि आपस में कोई मनमुटाव रहा हो? नहीं नहीं, आपस में कोई मनमुटाव हमारे कांग्रेस में नहीं है, ना एमपी साहब का कोई मनमुटाव है, ना ही विधायक जी का कोई मनमुटाव है। आपका मानना यह है कि कोई मनमुटाव के कारण ये नहीं है, ये जनता का स्वयं का फैसला था, जनता का, जनता शायद बदलना चाहती थी। हाँ, जनता तो अगर जो अपना फैसला देना चाहती है वो बड़े बड़े मंत्रियों को हरा देती है। आने वाले इलेक्शन में आप क्या मानते हैं कि क्या कांग्रेस सीट बचा पाएगी? आने वाले इलेक्शन में हमारी कांग्रेस की जीत होगी लोकसभा के चुनाव और केंद्र में भी हमारी सरकार बनेगी। केंद्र में तो मिली जुली सरकार है और उसका तो ताना बाना जो है कम्युनिस्ट के हाथ में रहता है और वो जब चाहते हैं धागा खींचते हैं, जब चाहते हैं धागा बुन देते हैं। तो केंद्र का तो कुछ नहीं कह सकते यार, इलेक्शन भी होने वाला है, लेकिन मैं खास तौर से अलीगढ़ की सीट के लिए इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि अलीगढ़ में काफ़ी सालों बाद कांग्रेस ने जन्म किया, एक तरीके से बिल्कुल ही नाम ही नहीं था कांग्रेस का, लेकिन खुशकिस्मती से एक विधायक मिला, वो भी हमने खो दिया, अब सांसद मिला है, तो क्या आप इसके लिए कुछ अभी से तैयारी कर रहे हैं? जी हाँ, हमारे कांग्रेस के जो वर्कर हैं जिले पर और ब्लॉक पर और तहसील पर बूथ कमेटियाँ भी बनाई जा रही हैं, न्याय पंचायत से लेकर के ब्लॉक स्तर तक और तहसील स्तर पे भी बनाई जाएंगी। और मैं समझता हूँ पूर्व में तमाम वक्ताओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ तमाम बातें कही भी होंगी, कैसी महिला है जानते हैं आप उसके बारे में, और ये इसीलिए अन्याय करने की फिल्म क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल में संघर्ष से नहीं निकली है। अगर कहीं संघर्ष किया होता इतनी बड़ी ताकत बनाने के लिए तो मैं समझता हूँ कोई भी इस हद तक नहीं जाता, इतना अन्याय पूरे नहीं करता, इतना तरीके से जो परेशान करने का जो मन बना लिया वो नहीं करता, लेकिन क्योंकि संघर्ष से नहीं केवल उन लोगों का सहयोग मिला है जिन्होंने पैसे देकर के टिकट खरीदी है, कोई विधानसभा नहीं छोड़ी थी पिछले चुनाव में जहाँ 50 लाख 1 करोड़ से लेकर के टिकट ना बेची हो, उसके बाद सरकार बनी है। ये एक
अचानक घटना हुई राजनीति में जिससे उसको सत्ता में और सत्ता में इतनी बड़ी ताकत मिल गई। मैं समझता हूँ अगर समाजवादी लोगों ने सही तरीके से मतदान किया होता, अपनी जिम्मेदारी निभाई होती, अपने कार्यकर्ता नेताओं ने एक दूसरे का विरोध न किया होता, तो मैं समझता बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी की ताकत होती, संख्या होती विधानसभा में। और जो मुख्यमंत्री है, मैं अभी जन्मदिन गुजरा है, जन्मदिन पे कितनी लूट हुए आप जानते होंगे। इसमें मुख्यमंत्री ने खुद अपने इशारे पर कहकर के कि मेरे जन्मदिन पे पैसा इकट्ठा हो, कितना इकट्ठा हुआ उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अभी जो हिसाब किताब आया उसमें पता लगा है 1200 करोड़ रुपया केवल 15 तारीख को इकट्ठा कर लिया और कोई नहीं छोड़ा जिससे पैसा न ले लिया हो। और आपको याद होगा जब शपथ ले रही थी चमचागिरी कितना मंत्री कर रहे थे, उन्होंने सब सीमाएं तोड़ दी चमचागिरी की, इतनी चाटुकारिता की। एक मंत्री तो टेबल के नीचे घुस गया, पैर ढूंढ रहा था मुख्यमंत्री के पैर कहाँ है, आपको पता होगा देखा होगा फोटो में। और अभी जन्मदिन गुजरा है, ये इस प्रदेश का सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस का डीजीपी, क्योंकि आप तो शहर में रहते हैं जन्मदिन भी मनता है यहाँ पर, एक गाना गाया था जन्मदिन पे हैप्पी बर्थडे टू यू, एक बार गाया खत्म हो गया, डीजीपी रह गए थे गाने में उसमें शामिल नहीं हो पाए थे, कहीं से आए और उन्होंने दो बार गाना गाया, सोचिए। और ये तो ठीक था लेकिन एक मंत्री दो मंत्रियों ने केक खिलाया मुख्यमंत्री को, जो बचा हुआ था वो खुद चाट लिया। आप टीवी पे देखो पूरी रिकॉर्डिंग है, सब सीमाएं पार कर गए। हर विभाग में संगठित भ्रष्टाचार हो गया, संगठित अपराध की तो बात ये सरकार करती है लेकिन कहीं भी अपराध रुका नहीं है न थमा है। कितनी व्यापारियों की हत्या हुई है, या आज जो व्यापारी शामिल हुए वो जानते होंगे, लखनऊ में तमाम व्यापारियों की हत्या कर दी गई, आपके ग्रेटर नोएडा में इकट्ठे तीन भाइयों की हत्या कर दी गई, कोई जगह जिला नहीं बचा जहां पर व्यापारियों की हत्या न की गई हो न लूट न लिया गया। ये स्थिति है और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट, और ऐसी मुख्यमंत्री जो बच्चे खेलते नहीं गुब्बारे से उससे भी डर गई, घबरा गई, विधानसभा में सबसे पहले विधानसभा की सीट छोड़कर भागा गुब्बारे को डर कर के, तो आपके मुख्यमंत्री ये विधायक जानते होंगे देवेंद्र साहब, ये बार गुब्बारे आए थे लोग विधानसभा में। तो ये सरकार जिसने किसान को तकलीफ पहुंचाई, किसान को पूरी तरीके से तोड़ दिया, ये सरकार जो महंगाई बढ़ा रही है, छात्र नौजवान अगर मांग लेकर के निकल रहे उनके ऊपर गोली चलाई लाठी चलाई, तमाम हमारे नौजवान साथी अभी भी जेल में, मामूली सी घटना पे बड़ी बड़ी धाराएं लगी, रासुका में एनएसए में नौजवान बंद है जेल में, और केवल उन लोगों की ये मांग थी कि जो छात्र संघ बंद है उनको बहाल किया जाए, केवल छात्र संघ को लेकर के सवाल उठाया था उसी पर उनको जेल भेज दिया गया, झूठे मुकदमे लगा दिए गए। और ये सच्चाई है, आज सबसे ज्यादा तकलीफ में नौजवान है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के बगल में बोल रहा हूँ, यूनिवर्सिटी बिल्कुल सामने है। आज पढ़ने लिखने के बाद कोई भी नौजवान को रोजगार नहीं है, महंगी से महंगी पढ़ाई कर ले, अच्छी से अच्छी डिग्री हासिल कर ले, लेकिन जो आर्थिक नीतियां हैं, जो हमारे देश जिस रास्ते में चल रहा है, 80-90% नौजवान पढ़ लिख करके बेरोजगार हो रहा है। अगर कोई सोच रखता है, कोई फैसला लेकर के कार्यक्रम बनाता है तो वह समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी कहती है कि पहले तो रोजगार का इंतजाम करेंगे, और हमारी सरकार में अगर रोजगार का इंतजाम नहीं हो पाएगा तो नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। पढ़ाई के क्षेत्र में जो पैसे नहीं है कोई कल्पना नहीं कर सकता। आपकी जितनी भी यूनिवर्सिटी बन रही थी, ये सच है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम दुनिया में है, किस तरह बनी उसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। कोई यूनिवर्सिटी आजादी के बाद नहीं बन पाई देश में, जब आदरणीय आजम खान साहब ने फैसला लिया कि रामपुर में बनेगी मौलाना जवाहर साहब के नाम पर यूनिवर्सिटी, तमाम रुकावटें पैदा की थी कांग्रेस ने, बीजेपी और बीएसपी तीनों ने मिलकर की, लेकिन समाजवादियों ने परवाह नहीं की, उसमें भी यूनिवर्सिटी बनाई, 3 साल में बनकर के तैयार हो गई थी। और अगर सरकार आपकी बन जाती है तो पूरी की पूरी मान्यता मिल जाती, सब कोर्स आते, पढ़ाई शुरू हो जाती, इंजीनियरिंग से लेकर के जो आज के जमाने में आधुनिक कोर्सेज सबकी पढ़ाई शुरू हो जाती। लेकिन इस बहुजन समाज पार्टी ने उसको भी रोक लिया, जो पैसा नेताजी ने आदरणीय आजम खान साहब ने दिया था वो पूरा का पूरा पैसा वापस लेकर के यूनिवर्सिटी वैसी की वैसी खड़ी है, अभी तक यूनिवर्सिटी बन नहीं पाई। ये है बहुजन समाज पार्टी। इधर लखनऊ में एक इंटीग्रल यूनिवर्सिटी नेताजी ने फैसला लिया, वो 3 साल से प्रयास कर रहे थे यूनिवर्सिटी बन जाए, नहीं बन पाई,
लेकिन आपकी समाजवादी सरकार बनी पहले ही साल में 3 महीने में यूनिवर्सिटी बना करके और यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। नौकरियां 18,000 नौजवानों को नौकरी मिली। ये मुख्यमंत्री सोचते 18,000 में केवल यादव ही है, आप जानते होंगे रिकॉर्ड बाहर है। ये कभी न कभी भर्ती बहाल होगी, देख लेना। और जब नेताजी ने कह दिया है कि हमारी सरकार जब भी बनेगी नौकरियां बहाल होंगी, जिस दिन से सस्पेंड हुए उस दिन से उन नौजवानों को पूरा वेतन भी मिलेगा। और आजादी के बाद अल्पसंख्यक भाइयों के इतने नौजवान कभी भर्ती में नहीं हुए जितने समाजवादी पार्टी ने 3 साल में अल्पसंख्यक भाइयों के नौजवान भेजने का काम पीएससी और पुलिस में किया है। उनकी भी नौकरी छीनी, इसने विद्याधन छीना, बेरोजगारी भत्ता छीना, कोई क्षेत्र नहीं बचा जिसमें समाजवादी पार्टी ने काम किए और उनको रुकावटें न पैदा की, सब खत्म कर दिया। और अब क्या कर रही है, केवल पार्क बना रही है। अभी तक 9 महीने में कोई भी गरीबों के लिए पैसा नहीं ले पाई, कोई नहीं। और अभी किसान और बुनकर और अल्पसंख्यक भाइयों का तो नाम अभी तक जवान पे आया नहीं है, न कोई योजना बनी। इसे साथियों ये सरकार जाएगी लेकिन उसमें आपका सहयोग बिना नहीं जाएगी। बलिया के लोगों ने सब फैसला कर 1 साल मतदान कर दिया, बहुजन समाज पार्टी का पता नहीं लगा। 1,32,000 वोटों से समाजवादी पार्टी वहां जीत गई। इस सरकार के अंदर तमाम तरीके से पैसा बांटा, सब कुछ किया उसके बाद। क्योंकि इस मौके पर हम लोग आपके बीच 2 घंटे 2.5 घंटे लेट आए, 3 घंटे, और आप लोग यहाँ तो थोड़ा सा झगड़ा कर रहे थे। ये सब लोग बिल्कुल व्यवस्थित बैठे थे, ये सब माताएं बहने की मैं सभी माताओं बहनों का भी इनका आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। छोटा भाई जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, जिनकी वजह से, इनके प्रयास से गंगीरी में भी एक बहुत बड़ी ताकत में रजनीश यादव जो आपकी पार्टी में शामिल हुए, इनकी मेहनत से, प्रयास से बहुत सारे व्यापारी उद्योगपति जिन्होंने तन मन धन से बीजेपी की सेवा की, तन मन धन से इन लोगों ने सेवा की होगी, बीजेपी की मदद की होगी, उसी ईमानदारी से अगर हमारी पार्टी की भी सेवा कर देंगे तो आपकी पार्टी अपने आप दिल्ली तक पहुंचाएगी, यहाँ से दिल्ली तोड़ देगी। मैं इनका आदरणीय फकाना और कांग्रेस, जो कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं, हमें सबसे ज्यादा खुशी होती है कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा देश को अगर बर्बाद किसी ने किया तो वह कांग्रेस पार्टी। देश को बंटवारे से लेकर जितनी भी समस्याएं और संकट पैदा किए वो कांग्रेस ने पैदा किए। अभी बंबई का ही मामला सामने है, बंबई का, जहां उत्तर भारतीयों को लेकर के तमाम सवाल उंगली उठ रही है। लोग अपने ही लोग हैं जो लोग उत्तर भारतीय हैं, ये कांग्रेस के इशारे पे ही बंबई में आंदोलन चला। जिस राज ठाकरे का कोई नाम नहीं जानता था, कांग्रेस ने पूरे देश में पहचान बना दी और तमाम तरह का उत्पीड़न उन्हें झेलना पड़ा। लेकिन हम समाजवादी लोगों ने उत्तर भारतीयों के साथ खड़े हुए जो कुछ कर सकते थे किया है, सहयोग किया है। अबू आसिम आजमी ने लड़ाई लड़ी है, मेहनत की है, तो इतना तो चलेगा झगड़ा, थोड़ा ठीक है झगड़ा। जब झगड़ा होगा तो अच्छा आदमी रह जाएगा, खराब आदमी चला जाएगा। इस मौके पर मैं फुरकान भाई का और उनके सभी साथियों का, सहयोगी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, देता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिस उम्मीद से, जिस विश्वास से आप आए हैं इस समाजवादी पार्टी में, आपका पूरा पूरा सम्मान किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास जनता बहुत है, जनता संख्या समर्थन सब है, लेकिन जब तक ये अनुशासित फौज नहीं बनेगी हम कोई लड़ाई नहीं जीत सकते, कोई लड़ाई नहीं जीत सकते। इसलिए आपको अनुशासित रहना पड़ेगा और जो बड़ी लड़ाई है उसको जीतना पड़ेगा। मैं बहुत
जासिम साहब का एम है सिवारा बिजनौर से बनाए, बिजनौर से सिवारा से डॉक्टर खुर्शीद अकरम साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया ओसी समाज के, उनका मैं स्वागत करता हूँ और डॉक्टर खुर्शीद हसन ओरिसी साहब है उनका भी स्वागत करता हूँ। ये प्रदेश सचिव राष्ट्रीय लोकदल के छात्र नेता भी रहे प्रदेश सचिव है और अलीगढ़ के इन साथियों का भी बहुत बहुत स्वागत और महिला और इनको तकलीफ हुई उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ढेर में हो गया थोड़ी देर बाद। हाँ ठीक के बारे में बताएंगे।
कैबिन बना के चलो भैया। चलो इमरान भाई हम लोग जा रहे हैं। तो आ दे रहेंगे यार फिर गिर मचाना ये छत पे है कोई। अरे हम गिरते मंत्री जी, मंत्री जी, अरे इधर उधर मंत्री गाँव में। अच्छा ये तो घर है। अज्जू कहाँ है भाई? है ना, तो ठीक है। पीछे स्पेस ही नहीं मिल रहा या भी डंडे की जरूरत थोड़ा भाई आप भी फोटो में इसी में ये मंत्री जी को भेजो। अज्जू अज्जू अरे इधर आओ, इधर सामने देखो, इधर आओ गिर बचाना फोटो के अंदर पीछे। अरे मैं गिरा पड़ा आदमी हूं पहले से। थैंक यू थैंक यू। तो बताया ना गली का कोई वो साधन है, मैंने पैर पकड़े हाथ जोड़े फिर दान के मिल के भैया दो ही पोल लगवा दो गली में, बदमाश डोल रहे चोरी हो गई है कुछ नहीं। बिल्कुल वोट दिए हैं वही काम करवाएगा। हमने डॉक्टर जलाल को वोट नहीं दिए, हमने प्रधान को दिया तो प्रधान साहब मना कर रहा है कि तुम लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, हम तुम्हारा काम नहीं करवाएंगे। मतलब प्रधान का कहने का मतलब ये है कि अगर आपने वोट नहीं दिया तो वो कार्य नहीं करेंगे जी, आपका मतलब ये है? जी जी जी। जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं मैं ये देख रहा हूँ, यहाँ पानी का अंबार लगा हुआ है और यहाँ देख के मुझे भी गुजरने में काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रधान का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सारे कार्य करे गए हैं, जबकि मैं जब गुजर रहा हूँ तो मेरा भी जूता यहाँ पे फिसला चला जा रहा है। ये है प्रधान जी के कार्य का कार्यशैली पूरी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रधान कह रहा है कि मैंने ये कार्य करवाया वो गलत है सब, वो पैसा खा रहा है ना कि कोई काम करवा रहा, ना बिजली के खम्भे लगवा रहा ना कुछ करवा रहा है। यहाँ की पब्लिक बहुत परेशान है। क्या प्रधान को आप बदलना चाहेंगे? जी हमारी बस चलेगी तो हम बदलेंगे। आपका बस कैसे नहीं चलता? कुछ लोग जो हैं जो पैसे के बल पे भूल जाते हैं वो साथ नहीं देंगे, बाकी पब्लिक तो हमारे साथ है। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या यहाँ पे जो वोटिंग होती है पैसे के बल पे होती है? सर वो तो ऐसा होता है कि कुछ लोग पैसे खाकर कुछ उन्हें खींच के उन्हें उधर ले जाते हैं, खींच के उधर ले जाते हैं। जरा जो तगड़ा पार्टी होता है उन कट्टे दिखाकर कुछ बदमाशी रोल कर वो ऐसा करा जाता है। कि हम लोग तो चाहते हैं भाई जो अच्छे काम करे, हमारे प्रधानमंत्री हो या चाहे कोई भी हो, बिल्कुल ईमानदारी का काम करे, वो देखे हर पब्लिक को, ऐसा नहीं कि हमारी सिर्फ हमारी तरफ देखे, वो हर किसी को देखे। हाँ सब तो हम उनको सही वापस करेंगे। लगा हुआ है जगह जगह, लेकिन पूरे के सफाई का भी कोई इंतजाम ना। इस हालत में बीमारी का जो आलम होगा वो आप खुद देख सकते हैं, जिसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे बोलिए, कुछ कोई भी आके हमें बताए इसके बारे में, ताकि आपकी परेशानी जनता के सामने रखी जाए। अब बीमारी तो सर इसी वजह से हम लोगों के पास बच्चे और हम लोग ऐसे तबीयत खराब होता है आए दिन, और गड्ढे में पानी भरा रहता है। यहाँ पे कोई बरसात का मौसम आएगा तो इतना पानी हेल कर मुझे जाना पड़ेगा, और इस तरीका का पूरा कीचड़ कीचड़ होता है। बरसात में आलम रहता है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं।
देखिए हम लोग यहाँ के शौचालय का इंतजाम, हम लोग आगे खुले आम में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और खुले आम बीमारी का न्योता दे रहा है। ये है शौचालय का इंतजाम। इससे आगे देख लीजिए, बाल्टी बाल्टी उठा के फेंकना पड़ता है, पानी आगे में गड्ढा करके रखे हुए हैं, बरसात में इतना परेशानी होता है जिसका कोई हिसाब नहीं। इसी जगह ये तो आपके नजर के सामने है, हम लोग का पानी उठा के फेंकते हैं हम लोग गली में से, कीचड़ ना हो सड़क पे, इसके वजह से बीमारी ना हो। गटर भी नहीं दिए, चलो अभी बोलो गटर के मतलब पब्लिक को गटर भी दिया गया, लेकिन आप बोलिए। मैं बोल तो दीदी इतनी बोल ली, मैं तो मेरे अकेले से भी नहीं होता है। बोलो जी, गटर आए बटने के लिए, इसने अपने 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 पल्लंग सब चीज की सुविधा कर दी, इधर ना आए उन्होंने कुछ भी बोला, गटर सबके गटर, एक नल भेजा एक नल, इसने अपनी बरादर को दिया जो भी कुछ दिया, लोहारों को और किसी को। हमने तो मस्जिद में सुप्रीम को लोहारों का कहने का मतलब है जाति के ऊपर हुई है, ना गटर है ना कोई खिरंजा है ना कोई, मेरा मतलब जाति पाती जो के हाँ लोहारों को भरना भर रहा है, अपने अपने उत्कू जाकर देखो, प्रधान माई को सब चीज की सुविधा हो रही है और इधर कुछ भी नहीं है, न गटर है न नल दिया एक, वो भी हमने मस्जिद में पहुंचा दिया। लेकिन आपके प्रधान जी कहते हैं मैंने बहुत काम कराया, नहीं ना कुछ नहीं कराया। हम तो नौकेंगे एक दिन उन्हें भी लेकर तो और चेक इन देख जाओ, हमारी मेहरबानी है कहने की, इतना तुम अपने आप देख जाओ, जो हमने की तो खाने की चीज तो है नहीं, खाने तो आप लोग के नजर के सामने। ये जो मैं देख रहा हूँ ये क्या चीज है, ये तो जमीन पर है, ये प्लॉट है, ये प्लॉट है, खाली है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो सर, आज इधर देखो क्या हाल हो रहा है, देखिए तो ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता है, वो पानी भरा हुआ रहता है, एक्चुअली किसी को निकलने की परेशानी, कोई घर से बाहर नहीं निकलता। हम लोग जानवर से बच्चा जिंदगी काट रहे हैं यहाँ, गली बिल्कुल हो रहा है बेकार, हम लोग परेशानी जा ही रहा है। ये देखिए पानी का अंबार लगा हुआ है जगह जगह, यहाँ तक के मुझे निकलने का भी रास्ता नहीं मिल रहा है। मायावती जी ने है क्या लोट दिए, उसे 40,000 रुपया लेकर लाख 40 लाख रुपए लेकर बैठ गए, उसने आज तक कुछ नहीं करा, कर दिए आप दे दिए अपने, आप अपने दे दिए। ये देखिए यहाँ पे जब हमारी कैमरा टीम और मैंने दौरा किया तो पता ही चला कि पानी का अंबार ऐसा लगा हुआ है कि यहाँ तक के मुझे तक गुजरने में इतनी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है कि आप खुद देख सकते हैं, यहाँ की पब्लिक इतनी परेशान है कि वो मिनट से पहले यहाँ के प्रधान को बदलने के लिए तुली हुई है और ये कहती है कि यहाँ पे जो वोटिंग हुई है जातिवाद के ऊपर हुई है। बोलो सब, बोलो हाँ जातिवाद हुई है, सही बात है, बोलो सब भाई, जो भी कराया वो अपने महल में कराया, हमने उनको नहीं कराया, उसने कोई फायदा और उन्होंने का कराया जो वोट देने वाले ये मछली पालन है प्रधान जी का, प्रधान जी का मछली पालन है, प्रधान जी पाल रहे हैं इसमें मछली। यहाँ तक के पानी की निकासी तक का रास्ता नहीं छोड़ा गया है और प्रधान जी आंखें मूंदे हुए हैं। सेक्रेटरी को दिखाया, तीन बार सेक्रेटरी भी देख के चले गए, उन्होंने कहा बनवाएंगे। जी जी, सेक्रेटरी ने कहा था, कौन है सेक्रेटरी, मांगे थाना बिल जमा ब्लॉक के, जमा ब्लॉक के जमा थाना, क्या नाम है उनका, अब नाम तो प्रधान को ही पता होगा, एक ने कहा था तो उसका सस्पेंड करा दिया प्रधान ने, एक ने कहा था कि गरीबों की जहाँ गली बनवा। आपका मतलब यह है कि प्रधान जो चाहें इस वो कर रहा है, कर सकते हैं, हाँ, वो ही कानून कर रहे। कानून नहीं रह गया है, ना, 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 वो ही कर रहा है प्रधान, अपनी बनवानी कर रहा है। तो निजाम 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 प्रधान है या कोई और प्रधान है यहाँ का, जो निजाम प्रधान है, निजाम प्रधान है, उनकी मिसिज भी तो है, उसकी बीवी है प्रधान, की बीवी का क्या नाम है, बीवी का क्या नाम है, जैतून, जैतून प्रधान है, और नहीं प्रधान ही जो है जैतून बेगम जी कर रही है, निजाम प्रधान कर रहे हैं, निजाम ही कर रहे हैं, बीवी प्रधान है, ऐसा क्यों, जबकि जनता ने तो उनकी बीवी को अहलिया को वोट दिया है और उनकी अहलिया से सारे वादे करने का वादा लिया है, लेकिन निजाम प्रधान प्रधान ही कर रहे हैं, ऐसा क्यों,
उनकी माँ पहले प्रधान हुई, जब भी निजाम ने प्रधानी करी। नहीं, आपने तो उनकी बीवी श्रीमती जैतून बेगम को वोट दिया है, लेकिन वो कार्य ना करके निजाम प्रधान कार्य कर रहे हैं। अब ये तो सरकार पूछे या कोई ऑफिसर पूछे, कोई मतलब इस पे आपत्ति है? आपत्ति ना हम लोगों को देखिए, अब हमें आपत्ति नहीं है, सरकार हुई है। मेरा सवाल ये है कि निजाम प्रधान ये मिला, उनकी बीवी को पानी मिला और ट्यूबवेल मिला, आपत्ति है? आपत्ति नहीं है, क्या करा है उसने? निजाम प्रधान ही कर रहा है। आबादी तो यही है, किसी का राशन कार्ड मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, किसी को तेल मिल रहा है, किसी कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ के लिए लाइन के लिए खंभा आया था, पोल वो भी उठवा के आए थे, यहाँ पे चार खंभा आया था, वो भी प्रधान ने उठवा के लेके चले। मैं आपसे एक बार सवाल करना चाहूंगा कि इस गली के लिए लाइट के लिए खंभा लाया गया था, लेकिन प्रधान जी ने अपने बल के ऊपर यहाँ से खंभे उठवा लिए, यही कहना चाहते हैं आप? जी हाँ, ये कहना चाहते हैं। और पल्ली तरफ जाके दे दिए, चलो जल्दी, बार लगा हुआ है यहाँ तक के इस गली से अगर कोई गुजरे तो वो गुजरने में भी दुश्वारी करेगा और बीमारी को अपने साथ लेके जाएगा। सब दरवाजों का ऐसे ही है या नहीं है? ये तो गड्ढा का पानी उठा उठा के दूसरे के फेंक रहे हैं। प्रधान का काम है अपना। कमा लिए पैसा करे ना कि साफ करवा देते रहे। बोलिए साथ हम लोग दूसरे का ये जमीन पड़ा हुआ उस गड्ढे से उठा उठा के पानी फेंकते हैं। बरसात में इतना पानी हो जाए कमर भर, इतने में इतना परेशानी होता है। ये गंदा पानी उठा उठा के फेंकना पड़ता है। आपने प्रधान से इसके बारे में रابطہ कायम किया? प्रधान कुछ भी नहीं सुनता है। नहीं, आप लोग गए? कितना बार गए? कितना बार हम लोग गए? नाम लीजिए लड़की और उसका नाम लीजिए। अच्छा, जो प्रधान है उनका नाम क्या है? बेगम प्रधान। जैतून बेगम है प्रधान, लेकिन मैंने तो ये सुना है कि यहाँ पे निजाम प्रधान है। तो वही, लेकिन काम करता है निजाम। नहीं, प्रधान कौन है आपके सामने? प्रधान कौन है हमारे सामने? तो जैतून बेगम है प्रधान। जैतून बेगम काम होता है निजाम। मेरा मतलब ये नहीं है, आपके सामने प्रधान आप किसे मानते हैं? जैतून बेगम। क्या जैतून बेगम कोई कार्य करती है? कभी देखने भी ना आई है, कभी देखने भी ना आई है वो। अच्छा, प्रधान की हाँ, जैतून बेगम कौन है? मिसेज है निजाम प्रधान की बीवी है। कभी देखने भी ना आए इस गली को, क्या है क्या नहीं है, कौन गरीब कैसे जी रहा है। निजाम से काक लगा के भी देख लिया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। हम लोग बहुत बार कहे इसका। आपके दो सवाल हो गए यहाँ पे। आप एक तरफ कहते हैं निजाम प्रधान आके देखते हैं, एक तरफ आप ये कहते हैं जैतून बेगम देखने नहीं आए। उन्हीं को प्रधान किसको मानते हैं? निजाम को। वोट किसे दिया है आपने? वोट तो दिया जैतून। निजाम प्रधान काम करते हैं? काम तो जब ये काम करते हैं तो ये जो आलम देख रहा हूँ ये क्यों नहीं हुआ? इधर कुछ ना हो रहा है, इधर कहीं इधर काम करते हैं? अरे अपने उधर करते हैं, उधर किला के नगर इधर उधर करते हैं, इधर कुछ हो ही नहीं रहा है। आज लोग रोड बना करके आगे घूर गया रोड। अपने उनका कहना है इस मोहल्ले के लोगों ने वोट नहीं दिया, मैं भी नहीं दूंगा। इस मोहल्ले के लोगों ने वोट नहीं दिया, इस वजह से हम कोई काम नहीं करेंगे। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर जनता किसी भी इलाके में उनको वोट नहीं देगी तो वो कार्य नहीं करेंगे, वो अपनी मनमानी से कार्य करेंगे? आपका मतलब यही है? अगर आप वोट देते तो वो आपका भी कार्य करते? आपका मतलब यही है? यही मतलब हम लोग का मतलब। ठीक है, उसे अंदाजे आप रोक तो भैया
खेत थे सब ऐसा ना खेत थे सब सिर्फ बारिश बाकी सब खेत थे ये यहाँ से आप खड़े हो आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि नुमाइश की गतिविधियाँ तो आप देख रहे हैं क्या आप इससे संतुष्ट हैं इस वक्त असल में प्रशासन ने बड़ा अच्छा इंतजाम रखा है और प्रशासन की वजह से जो इंतजाम हम देख रहे हैं उससे हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं लेकिन सवाल तो ये आता है कि कांग्रेस का बहिष्कार करती है सारे प्रोग्राम का वो उसकी वजह ये नहीं है कि प्रशासन यहाँ जो प्रोग्राम रख रही है वो सब सही है लेकिन कांग्रेस जो मेन मुद्दा ये था कि हमारे यहाँ का एमपी हमारे यहाँ का विधायक उसको वो बुला नहीं रहे किसी भी प्रोग्राम में वो बुला रहे हैं हाथरस से तो भाई बात ये है कि जब हमारे यहाँ का प्रोग्राम है तो बाहर से बुलाने की क्या जरूरत है हमारे यहाँ के मेयर को भी नहीं बुलाया भाई मेयर है हमारा समाजवादी से विधायक है तो इन लोगों को बुलाना चाहिए ना तो हमारा मेन मुद्दा ये है बहिष्कार करने का वैसे हमारा कोई प्रोग्राम बहिष्कार का नहीं है हम प्रशासन से पूरी तरह संतुष्ट है यानी आपका मानना ये है कि नुमाइश का पूरी तरह से बहिष्कार भी करेंगे और नुमाइश को बुरा भी नहीं कहेंगे जैसा कि आपने तारीफ करी नुमाइश को बुरा इसलिए नहीं कहेंगे ये तो पब्लिक के लिए है और इस पर जो वो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं लेकिन जो उन्होंने एक कार्य ये किया कि हाथरस से दूसरे लोगों को बुलाकर उनसे तो उद्घाटन कराया हमारे यहाँ से ना हमारे एमपी को लिया ना हमारे एमएलए को लिया ना हमारे यहाँ से जो इस वक्त मेयर हैं जबकि वो बीजेपी के हैं लेकिन हमारा सबसे मिलकर मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ से अलीगढ़ से यानी आपका मानना ये जिसकी सरकार उसका फरमान बाकी सब दरकिनार चाहे वो मौजूदा विधायक हो चाहे मौजूदा सांसद हो चाहे वो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि यानी महापौर हो उनके लिए सारे दरकिनार हैं यही कहना चाहते हैं बजाहिर ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि चाहे इससे पहले कांग्रेस हुकूमत रही जब भी सारे प्रोग्राम सब सही तरह से हुए माननीय मुलायम सिंह की हुकूमत समाजवादी रही जब भी सारे प्रोग्राम सही रहे लेकिन जब ये माननीय मुख्यमंत्री मायावती जी की हुकूमत है इसमें जरूर हम लोगों को काटा जा रहा है किस रूप में काटा जा रहा है इसी रूप में काटा जा रहा है कि हमको किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाता और दूसरे बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है जो उन्हीं की पार्टी से है चलिए आपका मानना यह है कि बीएसपी सरकार जो है इस नुमाइश के ऊपर पूरी तरह से काबिज हो गई है हाँ। और यहाँ का जो रीत रिवाज है वो खत्म हो चुका है और यहाँ का जो प्रशासन है वो मौजूदा सरकार के हाथों बिका हुआ है नहीं बिका हुआ तो मैं नहीं कहूँगा इसलिए कि प्रशासन वैसे भी शहर में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन इतना जरूर है कि दबाव में मौजूदा सरकार के जरूर है यानी आपका कहने का मतलब ये है कि मौजूदा सरकार के दबाव में प्रशासन यहाँ का काम कर रहा है जबकि प्रशासन को बिल्कुल स्वच्छ तरीके से काम करना चाहिए हाँ प्रशासन काम तो उसी अंदाज से कर रहा है लेकिन दबाव बहन जी का ज्यादा है अच्छा, यानी बहन जी के दबाव के कारण यहाँ का प्रशासन काम मजबूर है मजबूर है यानी हाँ। करना चाहता है हाँ। लेकिन वो नहीं कर पा रहा नहीं कर पा रहा अच्छा क्या ये बात सुनने में आई है सिल्म ग्राम की जो ये दुकानों का आवंटन किया गया है कि इसमें कुछ पैसों का लेन देन हुआ है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं जो अगर कह रहे हैं गलत कह रहे हैं यानी ये सिल्म ग्राम की दुकानें हैं इसमें कोई लेन देन नहीं कोई लेन देन हमारे यहाँ का डीएम एडीएम बहुत ही साफ सुथरे और बहुत अच्छे दिमाग को रखते हैं खुला जहन रखते हैं वो इस तरह का कोई कार्य नहीं करता डीएम एडीएम तो बहुत साथ छवि गए हैं लेकिन उनका नीचे का जो अफसरशाही परिवार है उनका रवैया कोई झुलमुल रहता है इसके बारे में क्या कहेंगे आप नहीं नहीं हमारे डीएम अपने जितने भी नीचे के प्रशासन आप सवाल सुनिए मैं क्या कह रहा हूं डीएम एडीएम के अलावा जो उनका परिवार है नीचे का वो झुलमुल रहता है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अब नीचे का के लिए तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि वो तो नीचे का तो नीचे ही है उसके लिए आप कुछ नहीं कह पाएंगे हाँ, नीचे का तो नीचे ही है। मैं आपसे ये सवाल भी करना चाहूंगा जैसे हम लोग प्रेस से ताल्लुक रखते हैं तो क्या यहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होती किसी भी प्रोग्राम की किसी भी प्रोग्राम की मतलब एक तरीके से इन्विटेशन कह लिए वो